हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहार झारखंड पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर आपके लिए हम प्रिंटर का वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि अगर आप देखें तो साल में कम से कम 3-4 बार कस्टमर के पास विजिट कर जाता है। अगर देखें प्रिंटर को, जितने जो लोग भी प्रिंटर बनाना जानते हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके पास काम का कमी नहीं रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं, प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी आती हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं अगर आपको प्रिंटर का नॉलेज है तो। अब जरूरी क्या है कि कहीं अच्छे जगह से आपको सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि आपको लगभग सारे प्रिंटर्स की ट्रेनिंग मिल जाए। मोस्ट ऑफ प्रिंटर जो मार्केट में अवेलेबल है वो कलर प्रिंटर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, डेस्कटॉप में उसमें भी एप्सन का आपको ज़्यादा मिल जाता है। बाकी के जो लेजर प्रिंटर है लगभग 10-20 से लेकर के 1,005 तक, इस कैटेगरी के प्रिंटर आपको ज़्यादा मिलते हैं। अगर ये सारे प्रिंटर के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है तो फिर आप डेली का इजी तरीके से बहुत कम संसाधन में आप प्रिंटर की रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये अभी भी मेरे पास एक प्रिंटर है जिसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आप देखें, हमने इसको टर्न ऑन किया और टर्न ऑन करने के बाद जब यह प्रिंटर को टर्न ऑन किया, अभी ये सेल्फ टेस्ट ले रहा होता है अपना, तो सेल्फ टेस्ट लेते लेते अभी आप देखिएगा जब ये मोशन में आएगा तो कुछ इसका इरर है, और इरर आ करके इस तरह से एलईडी जल के अभी क्या हो रहा हो कि मोशन हो रहा होगा। अभी चूंकि हमने इसका इनकोडर स्ट्रिप बदला है, लेकिन इनकोडर स्ट्रिप बदलने के साथ में जो है हेड का प्रॉब्लम जो है वो मोशन जो है सही हुआ। अब देख रहे होंगे इनकोडर स्ट्रिप है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये खराब हो चुकी थी। अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी ये जो है ब्लिंकिंग जा नहीं रहे, ईरर जा नहीं रहा है और इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है तो उसमें हमने नोटिस आपको अगर दिखाएं तो देखें, अब ये इनकोडर स्ट्रिप बदलने के बाद जो हेड का मोशन था वो तो सही हो गया, लेकिन फिलहाल में अभी हम कोई अगर कमांड देते हैं या प्रिंटर को दोबारा से ऑन करते हैं तो ये बहुत तेजी से मूव करके आवाज के साथ में बंद होकर के ये पोजीशन पे आ जाता है। अगर इस तरह की पोजीशन पे आता है तो वैसे तो आपको प्रिंटर में सर्विस वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है या तो इस डिकोडर, यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी डिकोडर की जो कंडीशन है वो जो दिख रही है हमको, ये डिकोडर ये देख रहे होंगे तो ये ऊपर से किसी ने इसको जब क्लीनिंग किया, साफ किया है तो किसी ऐसे मटेरियल का यूज़ किया है जिससे कि ये पूरा वाइट हो चुका है, ये कम्प्लीटली वाइट हो चुका है। तो अभी हम लोग जो मैंने डायग्नोस किया है, अब ये डायग्नोसिस जो है ये सही है कि नहीं है, पहले एक बार इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि प्रिंटर सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे, चूँकि फिलहाल इसे हम एक बार बंद कर देते हैं प्रिंटर को। प्रिंटर को बंद करने के बाद इसकी पावर केबल को रिमूव कर लेते हैं, पावर केबल को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये प्रिंटर कहीं से आया हुआ है। अब इसको जो ये हिस्सा होता है थोड़ा सा टाइट होता है क्योंकि लोग टेप वगैरह इस पे चिपकाए रहते हैं, तो ये तो यहाँ पे थोड़ा चिपकाया हुआ रहता है, ध्यान से आपको देखना है, फिर धीरे धीरे करके घुमाना है। अब एक मेरे पास व्हील इनकोडर रखा हुआ है, न्यू पीस है, और इसे हम लोग यूज करेंगे फिलहाल। लगाते समय इतना ध्यान रखिएगा कि जो सेंसर है आपका इजीली थोड़ा ये चढ़ जाता है।
अब एक केबल को डायरेक्टली लगाते हैं हम लोग। अभी फिलहाल हमने रिप्लेस किया है इसको, और आप देखें यहाँ पे जो एरर था एलईडी का वो एरर यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे जो एलईडी जल रही थी, अब एक काफ़ी दिनों से बंद था प्रिंटर, तो कुछ स्कैन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जैसा। चलिए कुछ रखा हुआ ही है उसी को देख। तो आपने देखा कि इसकी प्रॉब्लम से अभी यहाँ पे एरर भी फिनिश हो चुका है। डस्ट था थोड़ा पीछे जिसको पेपर स्टक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिलहाल ये अभी रेडी है। कुछ इसके जो प्रॉब्लम अभी जो है थोड़ा हेड वगैरह क्लीनिंग करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो है प्रिंटर काफ़ी दिनों से बंद रहा होगा जिसकी वजह से हेड थोड़ा क्लीनिंग है। तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हेड को आप क्लीन करके इसको सही करेंगे। फिलहाल आपका प्रिंटर जिस प्रॉब्लम के लिए था वो प्रॉब्लम आपकी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे वेल इनकोडर के थ्रू जो था यहाँ पे बार बार जो इरर आ रहा था वो इरर अभी आपके प्रिंटर से खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें, देखा होगा आपके सामने वेल इनकोडर जो ये खराब थी, लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू आपको ये दिखाया गया कि करके दिखाया कि मतलब ये प्रिंटर आपका किस तरीके से कौन कौन से ईयर पे क्या क्या चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो अगर आप देखें जो भी ये गैजेट होते हैं प्रिंटर के, तो इनमें प्रॉब्लम जो भी आती हैं तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है। उस इंडिकेशन को पहचानने की ज़रूरत होती है आपको। अगर वो इंडिकेशन आप पहचान लेते हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत है और काम करने आपको आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी गियर वगैरह जो लगी होती हैं या जो इनके डिकोडर है इनकोडर है, अगर ये सारी चीज़ें खराब हो रही होती हैं तो उसका एक रीज़न होता है और उसका जो कोडिंग होता है आपके सामने आ गया रहता है। उसको रीड करने के बाद इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। रिप्लेस कैसे करोगे आप, ये आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप रुचि है कि आप अगर प्रिंटर सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वैसे हमारे यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप और टीवी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, क्योंकि अभी के समय में ये सारे जो गैजेट हैं बहुत भारी मात्रा में लोगों के बीच हैं, खराब भी होते हैं। तो अगर आप जानते हैं रिपेयर करना जानते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिपेयर करके पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी और काफ़ी कम खर्च में आप प्रिंटर के ट्रेनिंग सीख सकते हैं। पूरा कंप्लीट जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।